नमस्कार, मैं सिद्धांत पृथ्वी आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूं। तो स्वागत है आपके इस नव वर्ष के यानी कि 2020 का फर्स्ट ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर, आप ही के चैनल पर। सो आज हम जानने वाले हैं एक और खूबसूरत और एक बेहतरीन टेक्निक के बारे में, जिससे आपकी समझ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है तान को बनाने और तान को गाने में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है। अब देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ये एक मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने चार पैटर्न्स का जिक्र करा था, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो पलटा है ये मैंने पंडित अजय चक्रवर्ती जी से सुना है। तो उन्हीं का जो पलटा है वो आगे किस तरीके से एक सीरीज में कन्वर्ट होता है, तो इस पर मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक ऊपर आई कार्ड में आपको दिख रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं, और साथ ही साथ में उस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, तो सिंपली जाकर वहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हैं। वो समझ में आएगा तो उसी के बिहाफ पर और उसी के अंदर कुछ एडवांस टेक्निक मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बता रहा हूं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ पाए। तो देखिए, बेसिकली आपको करना क्या है कि उसका जो आरओ है, अब जैसे मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि एक तो चार वाली सीरीज है, एक पांच वाली, एक छह वाली और एक सात वाली। अब चार वाली क्या है, सारेगामा रेगामा सागामा सारेमा सारेगा, एक ही पैटर्न चल रहा है। उसके बाद पांच वाला सारेगामा पा रेगामा पा सागामा पा सारेमा पा सारेगा पा सारेगामा, एक ही पांच वाला हो गया। अब वैसे ही फिर छह वाला, फिर सात वाला भी पैटर्न जाता है। तो हमको यहाँ पर करना क्या है कि इसका आरोह और अवरोह एक साथ गाना है। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा या थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मगर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी तकलीफ होगी बट मैनेजेबल है ये। अब देखिए, जैसे कि आपने चार वाला फ्रेज गाया सारेगामा रेगामा सागामा सारेमा सारेगा, तो इसी का अवरोह आपको तुरंत ही गाना है बजाय रेगा मापा वाले फ्रेज पर जाने के। कैसे होगा देखिए, सारेगामा रेगामा सागामा सारेमा सारेगामा गा रे सागा रे सामा रे सामा गा सामा गा रे। तो आप देख रहे हैं कि इसका आरोह अवरोह एक साथ आ गया है। फिर आप रेगा मापा वाले फ्रेज पे जाएंगे। अभी मैं थोड़ा फास्ट गा के बता रहा हूँ क्योंकि जाहिर है मैंने भी आपको बताया कि इस पर मैं ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, तो मैं इसमें बस टेक्निक एड ऑन कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट गा रहा हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। रेगा मापा गा मापा रे मापा रेगा पा रेगा मा, अब इसका अवरोह भी इसके साथ पा मा गा रे मा गा रे पा गा रे पा मा रे पा मा गा। तो आप देख रहे हैं ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैं सा वाला और रे वाला फ्रेज पूरा एक साथ गाता हूँ, सा रे गा मा रे गा मा सा गा मा सा रे मा सा रे गा मा गा रे सा गा रे सा मा रे सामा गा सामा गा रे रे गा मा पा गा मा पा रे मा पा रे गा पा रे गा मा पा मा गा रे मा गा रे पा गा रे पा मा रे पा मा गा। उसके बाद फिर गा में कंटिन्यू होगा, मतलब पूरा सीरीज एक बार। मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी इसको गा देता हूँ। अगर आपको धीरे से सुनना हो तो आप यूट्यूब, आप जानते हैं कि ऊपर तीन डॉट बने हुए आएंगे, जब आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे वहां पर जाके आप प्लेबैक स्पीड में जाकर इसकी स्पीड कम करके सुन सकते हैं। अब देखिए, मैं इसको पूरा एक साथ गा रहा हूँ ताल के साथ, सारे गा मा रे गा मा सा गा मा सारे मा सारे गा मा गा रे सा गा रे सामा रे सामा गा सामा गा रे रे गा मा पा गा मा पा रे मा पा रे गा पा रे गा पा मा गा रे मा गा रे पा गा रे पा मा रे पा मा गा। अब देखिए, इसका जो लास्ट फ्रेज आएगा ना वो आएगा धनी सारे नी सारे धा सारे धनी रे धनी सा। तो अब यहाँ पर आपको अवरोह नहीं करना है, जैसे जो इसका लास्ट फ्रेज चल रहा है पा धनी सा धनी सा बनी सा बदा सा बदनी, इसका अवरोह साथ में कर दीजिए सानी धा बनी धा बसा धा बसा नी बसा नी धा, मगर इसके बाद धनी सारे नी सारे धा सारे धनी रे धनी सा। तो जैसे कि अभी सा पर खत्म हो रहा है तो इसके बाद आपने सीधा अवरोह शुरू कर देना है। फिर अवरोह में भी ये ट्विस्ट रहेगा कि जब आप अवरोह करेंगे तो उसके साथ उसका आरोह ऐड होगा। अब देखिए कैसे सुनाई देगा ये, सा नी धा बनी धा बसा धा बसा नी पसा नी धा पा धा नी सा धा नी सा बनी सा बदा सा बदा नी नी धा बा मा धा बा मा नी बा मा नी धा मा नी धा बा मा पा धा नी बा धा नी मा धा नी मा पा नी मा पा धा धा बा मा गा पा मा गा धा मा गा धा बा गा धा बा मा गा मा पा धा मा पा धा गा पा धा गा मा धा गा मा पा पा मा गा रे मा गा रे पा गा रे पा मा रे पा मा गा रे गा मा पा गा मा पा रे मा पा रे गा पा रे गा मा मा गा रे सा मा रे सा मा गा रे सा रे गा मा रे गा मा सा गा मा सा रे मा सा रे गा। अब इसका भी जो लास्ट आ रहा है ये भी एक ही रहेगा, गा रे सा नी गा सा नी गा रे नी गा रे सा, बस यहाँ पर इसको फिनिश कर देंगे। तो हम यहाँ से इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, जो कि स्वाभाविक है, तो भी कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला था,
अगर आपने स्टार्टिंग वाला पोर्शन स्किप कर दिया है तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि इस पलटने के बारे में मैं ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा। आप स्क्रीन पर क्लिक करिए, ऊपर एक आई बटन बना आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करेंगे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने सारे पलटे समझाए हैं। तो सबसे पहले आप उसको देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसकी टेक्निक आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो जिस तरीके से अभी हमने चार वाले में इसका आरो ओवरो करा है बैक टू बैक, उसी तरीके से ये पांच वाले में भी शिफ्ट होगा, छह वाले में भी होगा, और अगर आप बहुत अच्छे से रियाज करेंगे तो सात वाले में भी आप कर पाएंगे, वरना सात वाला थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। एक बार पांच वाला मैं आपको थोड़ा सा गाकर आइडिया दे देता हूँ, ये पांच वाला और छह वाला, उसका एक एक फ्रेज मैं आपको गाकर दिखा देता हूँ, उसके बाद आप खुद समझदार है, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देखिए पांच वाला में इसका आरो ओवरो अगर मैं एक साथ गाऊं तो पैटर्न का सा रे गा मा पा सा गा मा पा सा रे गा मा, ये हो गया पांच वाला। इसका अवरोध तुरंत का ये इसी पैटर्न का पा मा गा रे सा पा मा गा रे सा पा मा गा रे। अब एक साथ देखिए कैसा होगा, सा रे गा मा पा सा गा मा पा सा रे गा मा पा मा गा रे सा मा गा रे सा पा मा गा रे। उसके बाद आप रे पर शिफ्ट हो जाएंगे, रे गा मा पा धा रे मा पा धा रे गा मा पा। अब इसका अवरोध साथ में धा पा मा गा रे धा मा गा रे धा मा गा रे धा पा मा गा। एक साथ देखिए, रे गा मा पा धा रे मा पा धा रे गा मा धा रे गा मा पा धा पा मा गा रे पा मा गा रे धा मा गा रे धा पा मा गा रे धा पा मा गा। तो इस तरीके से अगर आप इसको कंप्लीट गाएंगे तो ये बहुत जबरदस्त जाएगा। जिस तरीके से हमने चार वाले का जो लास्ट फ्रेज था वो एक एक ही बार गाया था, उसका अवरोह नहीं करा था, तो उसी तरीके से इसमें भी जो लास्ट जाएगा वो जाएगा पता नहीं सारे वाला इसका फ्रेज लास्ट जाएगा, उसके बाद आपको इसका अवरोह नहीं गाना, फिर आप सीधा सा नी धा पा मा नी धा पा मा सा नी धा पा मा सा नी धा पा। आप ये सीधा शुरू कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही छह वाले अलंकार में होगा, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, अगर ना समझ में आया तो ट्यूटोरियल दोबारा थोड़ा बैक टू बैक देख लीजिएगा, आपको टेक्निक समझ में आ जाएगी। अब देखिए छह वाला कैसे होगा, सा रे गा मा पा धा सा गा मा पा धा सा रे गा मा पा धा सा रे गा मा पा। अब इसका अवरो धा पा मा गा रे सा पा मा गा रे सा धा मा गा रे सा धा पा मा गा रे सा धा पा मा गा रे। अगर बैक टू बैक गाएंगे सा रे गा मा पा धा सा गा मा पा धा सा रे मा पा धा सा रे गा पा धा सा रे गा मा 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 पा धा स
करेंगे। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का ट्यूटोरियल है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ और मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था और ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। मैं एक बार दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, कुछ लोगों को लगेगा जो इसको पूरा इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे उनको लगेगा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट एक्चुअली कुछ लोग स्टार्टिंग में स्किप कर देते हैं, स्टार्टिंग वाला पोर्शन नहीं देखते, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। अभी जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ इस पर ऑलरेडी, इन पलटों पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया है, आप उस पर क्लिक कीजिए, पुरानी वीडियो को देखें, उस उन पलटों को समझे अच्छे से, उसको समझने के बाद ही आपको ये टेक्निक समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप खूब अच्छे से रियाज करें, खुश रहें, संगीत में रहें। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और साथ ही साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आगे से जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको उसके रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।